हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बड़ा सा बैग। इसको देखते हैं। ये मैंने एक पीस लिया है। इसकी लंबाई है 56 इंच और चौड़ाई है इसकी 22 इंच। 56 बाई 22 इंच का ये मैंने एक पीस लिया है। अब इसमें से हम निशान लगाते हैं नाप के लिए। इधर से ये बंद है और उधर से खुली साइड है, तो ये कैमरे में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको डबल करके लिया है। ये पीस भी मैंने डबल करके लिया है। ये इधर से बंद है और इधर से खुला है, तो इसको नाप के बता देती हूँ मैं। इसकी लंबाई है 65 इंच और चौड़ाई है इसकी 12 इंच का। ये एक पीस है, इसको एक तरफ रख देते हैं। ये बड़ा पीस लेते हैं फिर से। इसमें हम निशान लगाएंगे। इसमें ये मैंने 22 इंच पर निशान लगा दिया एक तरफ से। 22 इंच पर निशान लगाते हुए इसको हम मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है। अब हम दूसरा निशान 12 इंच पर लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ 12 इंच पर निशान लगाते हैं, उसको मिला दिया है। अब इसके बाद इसको हम नापते हैं कितना बचा है। ये बचा है 22 इंच और इधर से भी 22 इंच बचा है। इस पे हम रख देते हैं इसको। ये मैंने बेल्ट तैयार करी है। ये मैंने 4 बेल्ट तैयार करी, 2 छोटी हैं 2 बड़ी हैं। इनके नाप बता देती हूँ। ये मैंने 30 इंच की बेल्ट है और ये 22 इंच की है। 2 22 इंच की बेल्ट लिए हैं, 2 30 इंच के लिए। ये मैंने एक चैन ली है, 2 रनर लिए हैं। इसमें ये 6 इंच, ये हो गई 66 इंच की। मैंने एक चैन लिया। अब ये बड़ा पीस फिर से लिया है मैंने। इस पे हम ऊपर से 5 इंच नीचे जाते हुए निशान लगा लेंगे। एक 5 इंच पर लगा के इसको मिला देते हैं। इसका सेंटर निकालते हैं। ये सेंटर निकाल दिया मैंने। सेंटर से 4 इंच इधर निशान लगाएंगे और 4 इंच इधर निशान लगाएंगे। 4 इंच पर निशान लगाते हुए इसको ऊपर मिला देते हैं। इस पे जो हमारी बड़ी वाली बेल्ट थी उसको हम यहाँ पे रख के इसको सिल देंगे। सॉरी, छोटी वाली बेल्ट को लगाएंगे, बड़ी को नहीं। छोटी बेल्ट को इस पे लगा के सिलेंगे। उससे पहले ये बेल्ट लगानी है हमें। ये 4 निशान, 4 इंच पर जो निशान थे उन पे रखते हुए इसको सिल देंगे और ऊपर से फिर इसको सिल देंगे। सिलाई लगाते हुए इसको पूरा करेंगे। मैंने सेम वही निशान हमें इधर भी लगाना है, 5 इंच पर डाउन जाते हुए फिर इसको हम मिला लेंगे और इसका सेंटर निकालते हुए सेंटर से 4 इंच इधर और 4 इंच इधर इन निशान को ऊपर लगाते हुए इस पे भी सेम उसी तरह एक बेल्ट यहाँ लगाएंगे और एक बेल्ट को इसके अंदर करते हुए इस पर सिलाई लगाते हुए ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। ये मैं सिल के दिखाती, ये मैंने लगा दिया है, दोनों तरफ बेल्ट जोड़ दिया इस पर, बन के तैयार है बेल्ट मेरी। ये जो मैंने निशान लगाया था बीच में 12 इंच पे,
उससे ये यहाँ से यहाँ तक 12 इंच पर ये निशान है। इस पे हम जो हमने ये 12 इंच की पीस लिया था इसमें मैंने चैन लगा ली है, दाब सिलाई लगा दी है। इसको इस पे रखते हुए हमें इस पे सिलाई लगा देनी है। इस पे सिलाई लगाते हुए इधर भी सिलाई लगा देंगे हम। इस पे सिलाई लगाते हुए फिर हम इसको इधर से इसको मिलाते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे पूरी बेल्ट पूरे पीस पर लगाते हुए। इस पे सिलाई लगा के दाब सिलाई लगा के इसको तैयार कर दिया है। ये बैग मेरा बन के तैयार है। ये आज मैंने इस पे मैं सिलाई लगा के चैन पे ये इसका बेस बना है, दाब सिलाई लगा के सब कुछ। मैंने आज पुराने पर्दे के कपड़े से बैग बनाया है। अगर आपको मेरा बनाया बैग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।